साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद कदमा नितलीला प्रभुष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को जथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग वेणु गीत को परमेश कथा श्रवण करेंगे। कहते श्रीमद् भागवत में कहते ये पांच गीत है। कहते जो पहला नंबर जो गीत है कहते ये एक वेणु गीत है, एक जुगल गीत है, एक भ्रमर गीत है, हैं, और एक है गोपी गीत है, और एक है जुगल गीत। ऐसे करके भागवत में ये पांच गीत को बारे में बताया गया, और पांच गीत में जो एक गीत है ये वेणु गीत है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में बताया भगवान के अंदर में विशेष करके चार गुण है। जो चार गुण और किसी जीव में नहीं, किसी देवादेवी में नहीं, किसी अवतार में नहीं, हैं, ब्रह्मा शंकर जी में नहीं, केवल ये जो चार गुण केवल ये कृष्ण का अंदर में ही है। कि तो चार गुण क्या है? बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। पहला जो गुण है भगवान की अद्भुत जो लीला है। कृष्ण जितने मधुर मधुर लीला की ऐसे लीला और किसी ने नहीं किया है, क्योंकि वो भगवान होते हुए भी अभी तक भगवान किसके झूठे कभी नहीं खाए, लेकिन कृष्णा अवतार में सखाओं को झूठा न खाया, भगवान को किसी ने परास्त नहीं कर पाए, लेकिन कृष्णा अवतार में श्रीधाम कृष्ण को पछाड़ देता है मल्ल युद्ध में। वो कहता है तू किस चीज के बड़े, तू हम तो मेरे समान है, तेरे पिताजी के नल लग गया, मेरे पिताजी की जाल लग गया है। अभी तक भगवान को किसी ने बांधा ही नहीं, लेकिन मैया ने उखल में बांध डाल ली। अभी तक भगवान का कान किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैया जसोदा कन्हैया को सीधा कान पकड़ती, अगर कोई मटकी फटकी फोड़ दे मिट्टी खा ले सीधा मैया जाकर कान पकड़ती है, कहता पवित्र दुष्ट तुमने मिट्टी खाई हो। भगवान अभी किसको चरण में प्रेम की भिक्षा नहीं मांगे, लेकिन केवल गोपियों को चरण में भिक्षा मांगे हैं। किसने अभी तक ये रासलीला नहीं की, केवल कृष्ण ने ही ये रास रचिया है। इसलिए कहते भगवान का पहला जो विशेषत्व है सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, अद्भुत जो लीला है। दूसरा जो है अद्भुत लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम। दूसरा गुण है भगवान की प्रेम माधुर्य है। कहते श्री रूप गोस्वामी प्रेम माधुर्य में दो चीज उन्होंने उदाहरण देते हैं। बोले ऐसे जब कृष्ण गैया चराने के लिए जाते हैं, जब सुंदर कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, सारे ब्रजवासी सबके सब आ करके कृष्ण को दर्शन करते हैं, क्योंकि और सारा दिन कृष्ण दर्शन मिलेगा नहीं, हैं,
फिर जब कृष्ण गैया चराते हुए वापस आते हैं तब भी कृष्ण बड़े मधुर मधुर बंसी बजाते हैं। अब बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी घर का सारे काम धाम को छोड़ करके सबके सब दरवाजा को सामने आकर के गोपियाँ घूंघट उठाकर कृष्ण को दर्शन करते हैं। लेकिन दर्शन करते समय ये आँख का जो पलक है ये पलक इतने तेजी से झपकती है पता नहीं चलता कि आँख का पलक झपकती है। लेकिन जब कृष्ण को दर्शन करते समय उदाहरण दिया कृष्ण का मुखमंडल कैसे, बोले कमल फूल जैसे, बोले घुंघराली केस कैसे जैसे कमल फूल गोबर में जैसे भ्रमर जैसे मडरा रहे हैं। कहते हैं जैसे गैया की खूर से जो धूल उड़ता है जैसे कृष्ण का मुखमंडल में जैसे किसी ने पाउडर लगाया ऐसे। इसलिए जब गोपियाँ दर्शन करती हैं इसलिए गोपी गीत में बताए बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्मकीदृशाम। इसलिए गोपियाँ कहती हैं मतलब तो ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने सुंदर कृष्ण देखने में और दर्शन देने के लिए केवल करोड़ों आंख दिए नहीं, केवल दो ही आंख दे दिया, फिर दो आंख में किया पर उसमें पलक हर्ष में पलक झपती है। कहते ये तो उनको सृष्टि करना आता ही नहीं ब्रह्मा को है। हाँ कहते वही है उनका ही जीवन धन्य जिनका आँख का जो पलक है ना इसको काट करके फेंक देनी चाहिए, फिर क्या होगा आँख हर समय खुली रहेगी, फिर कृष्ण को हम क्या करेंगे एक साथ में हर समय उनको दर्शन करते रहेंगे। इसलिए कहते एक उदाहरण उन्होंने दिया है जैसे कृष्ण गैया चराते समय जब वापस आते हैं, कहते ये एक उदाहरण है। प्रेम माधुर्य कुल कृष्ण में ही है, दूसरा माधुर्य है हाँ उसमें उदाहरण दिया कृष्ण जब रासलीला की है। कहते ब्रह्मा का एक दिन तक उन्होंने रासलीला की हाँ, इसलिए 1000 चतुर्युग तक रासलीला की। लेकिन गोपियों को ऐसे लगा जैसे अभी 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 हम आए और अभी अभी ये रासलीला अभी अभी खत्म हो गई, मतलब इतना जो ब्रह्मा का एक दिन हाँ उनको लगता जैसे हैं कहते अभी अभी जैसे खत्म हो गया। इसलिए कहते ये प्रेम माधुर्य बोले तीसरा माधुर्य सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कलोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत माना सकर से मुरली का लघु जी। उनका जो तीसरा माधुर्य है ये बंसी माधुर्य, जिस बंसी ध्वनि जब कृष्ण करते हैं श्री रूप गोस्वामी कहते हैं है? रूप गोस्वामी कहते रुंधन विपरीत चमत्कीर कृत परम। रूप गोस्वामी कहते उनके बंसी ध्वनि सुन करके विश्व ब्रह्मांड एकदम द्रवीभूत हो जाता है, विश्व ब्रह्मांड जमुना उल्टी बहने लगती है हैं, इसलिए सारे पहाड़ पर्वत पिघल जाती हैं, जिस बंसी ध्वनि सुनकर विश्व ब्रह्मांड को उथल पुथल मचा देते हैं हैं उथल पुथल मचा देते हैं, और जिनकी ध्वनि सुनकर के आनंद देव का दिमाग चकराने लग जाती है, सनातन सनातन का ध्यान टूट जाती है, ब्रह्मा जिनको सुन करके ब्रह्मा भी विस्मित हो जाते हैं हैं, अनंत देव जिसको सुनकर के डगमगा जाते हैं। कहते ऐसे भगवान की बंसी माधुर्य की चमत्कारिता अद्भुत है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते जावत निखिल प्रेम है, वो कहते विश्व ब्रह्मांड में जितने म्यूजिक है सारे म्यूजिक की मधुरता को एक तरफ में कर दो और बंसुरी की जो मधुरता की जैसे एक अथा समुद्र जैसे जैसे उसका एक बूंद में कि विश्व ब्रह्मांड का जितने म्यूजिक की मधुरता उसका एक बूंद में समझ जाएगी, मतलब ये बंसी की जो ध्वनि अद्भुत अद्भुत बंसी की ध्वनि। इसलिए कहते इनका एक बंसी माधुर्य है, और जो चौथा माधुर्य है बोले रूप माधुर्य है। कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर, बोले जीव की बात ही छोड़ दो, जब कृष्ण की सुंदरता को लक्ष्मी जब श्रवण करती हैं बोले विहाय कामान सुचिरत प्रता, लक्ष्मी भी वैकुंठ को छोड़ देती है, नारायण बहुत ही सुंदर है लेकिन कृष्ण की सुंदरता का जब लक्ष्मी सुनती है उसको हृदय में रास में प्रवेश करने के लिए कृष्ण संग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दी और छोड़ करके इस वृंदावन बेलवन में कठोर तपस्या में बैठे हुए, कब कृष्ण की संग और कृष्ण का रास में हमें प्रवेश कर। इतने कृष्ण सुंदर हैं बोले
लक्ष्मी की बात छोड़ो, कि जब कृष्ण की सुंदरता नारायण श्रवण करते हैं, नारायण भी चोरी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, नारायण चोरी करते, बोले क्या चोरी करते हैं, बोले द्वारका में एक ब्राह्मण का संतान होता था, लेकिन इस संतान होते ही वो शरीर छोड़ देता है। एक दिन बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अर्जुन बैठा हुआ था। वो ब्राह्मण का बच्चा जन्म हुआ, शरीर छोड़ दिया। वो ब्राह्मण ने बच्चे को लाकर कृष्ण को सामने पटक दिया, बोले ये कृष्ण अधर्मी, राजा अधर्मी है। अधर्मी होने का नाते और राजा का जितने पाप प्रजा को भुगतना पड़ता है, इसलिए मेरे बच्चा ये शरीर छोड़ता है। इतने में वहाँ पर अर्जुन बैठा हुआ था, बोले इस बार तेरे बच्चे को मैं रखा करूँगा। इतने में ब्राह्मण ने कहा तू क्या रखा करोगे, जहाँ पर कृष्ण बैठे हुए, बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बैठे हुए, जब ये कुछ नहीं कर पाए तो हिजड़े तू क्या कर लोगे। अर्जुन ने कहा हिजड़े, मेरे गांडीवी का ताकत आपको पता नहीं, मैं कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और मैं दाव नहीं हूँ, प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन हूँ। अगर इस बार जब तुम्हारी बच्चा जन्म होने का होगा मेरे को केवल कवर कर देना, अगर तेरे बच्चों को मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं जिंदा अग्नि में कूद जाऊंगा। बोले ठीक है, इस बार दिखा जा। जब अभी बच्चा जन्म होने वाला, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया, बोले जल्दी जल्दी आओ। अर्जुन ने गया और ऐसे गांडीव के धनुष को बाण मारे, वो जो सुतिका गृह को एकदम बंद कर दिया चारी तरफ में, हवा तक भी अंदर में जा नहीं सकती, और दरवाजा में धनुष लेकर खड़े हो गया। मैं देखता हूँ कौन आकर ले जाता है। हर बार तो बच्चा जन्म होते ही शरीर तो छूटता था, मरता तो शरीर रहता था, लेकिन इस बार जन्म हुआ, रोने की आवाज आई और शरीर समेत गायब हो गया। इतने में वो ब्राह्मण अर्जुन को इतने गाली देने लग गया, बोले हिजड़े मैं तेरे को पहले ही बता रहा था, जहाँ पर कृष्ण बलराम कुछ नहीं कर पाए तू क्या कर लोगे, हर बार तो मरा शरीर रहता था, इस बार तो शरीर समेत गायब हो गया। इतने में अर्जुन तो साधारण था नहीं, अर्जुन वहाँ ध्यान में बैठ गया, बैठ करके देखने लगा बच्चा गया था। भूर्भुवम अह जन तप सत्य अतल वितल तलातल पाताल सुतल लोक में जाकर के सब जगह में ध्यान में जाकर सब जगह को ने ढूंढा, लेकिन कहीं है नहीं। अर्जुन ने कहा था इस शरीर को मैं अग्नि में विसर्जन कर दूंगा। जब अग्नि में विसर्जन करने के लिए जा रहा था, कृष्ण बोले मेरे साथ में आओ। तो कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के हाँ कहते गए भगवान नारायण के पास में गए। जब नारायण के पास में गए, वहां पर नारायण भगवान को दर्शन करते हुए खड़े हो गए, प्रभु को प्रणाम किया, बोले हे प्रभु ये बच्चे को मैंने चुराया, इसलिए चुराया था आपको दर्शन करने के लिए, केवल आपको दर्शन करने के लिए मैं बच्चे को चुराया, आज मेरे जीवन धन्य हो गया, आप यहाँ पर आए और मुझे आप कृपा करके दर्शन दिए। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर है, नारायण भी जिनको दर्शन करने के लिए तरसते हैं, ऐसे सुंदर कृष्ण भगवान। इसलिए कहते नारायण की बात छोड़ दो, नारायण की बात ही छोड़ो, कृष्ण इतने सुंदर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बोले कृष्ण माधुर्य देखे वासुदेवर को, बोले एक ही कृष्ण है, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं, जब वही कृष्ण मथुरा में रहते हैं, वो मथुरे से कृष्ण जब वृंदावन के कृष्ण के माधुर्य को श्रवण करते हैं, वृंदावन के कृष्ण इतने सुंदर है, उनको सुन करके उनका हृदय में क्षोभ प्रकट हो जाता है, इनके मन में इच्छा होता है कब हम कृष्ण दर्शन करें, कृष्ण का दर्शन हमें कब मिलेगा, मतलब कृष्ण इतने सुंदर हैं, हैं? जिसको श्री सनातन गोस्वामी बृहत भागवत अमृत में वर्णना करते हैं, हैं? जिसमें नव वृंदावन। कल एक समय कृष्ण जब रहते थे मथुरा में, एक दिन क्या हुआ, कृष्ण अपना ब्रज की कथा सुनते 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 कृष्ण एकदम बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए अभी कृष्ण का होश ही नहीं आ रहा है, इतने में नारद जी वीणा बजाते बजाते आ गए। जब आ गए तब भक्तों ने कहा आप वीणा बजाते हुए वृंदावन की थोड़ा लीला को गान करो, कृष्ण का होश आ जाए। बोले देखो कृष्ण की होश आना बड़ा कठिन है, और कृष्ण का होश आएगा ना कृष्ण सीधा वृंदावन चले जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं। अब बोले कृष्ण का तभी इनकी ज्ञान आएगा,
अभी वो वृंदावन की चिंता करते 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 वो बेहोश हो गए। अभी परिवेश वृंदावन की हो तभी इनकी होश हो सकती है, है? अगर इनको उठा कर ले जाओगे वृंदावन में तो वृंदावन में रहेगी, आएंगे नहीं। बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, ब्रह्मा जी को बुलाओ और उनको बोलो एक नव वृंदावन सृष्टि करें। तो ब्रह्मा जी आकर के एकदम वृंदावन जैसे बनाया, अद्भुत रूप में, हैं, जैसे सुंदर सुंदर कुंज है। कृष्ण जब चाहते हैं कैसे गोपियां झांक कर देखते हैं, जब कृष्ण चलते हैं कैसे हजार हजार कैसे बछड़े चलते हैं और कैसे सखाल को चलते हैं, बाल बाल चलते हैं, और जैसे कृष्ण उठते हैं मैया जसोमती कैसे उनको मक्खन खिलाने के लिए देती है, इस सब उनने पूरा वृंदावन जैसे उन्होंने पूरा बनाया, बना करके कृष्ण को गरुड़ को पीठ पर रख दिए और रख करके सामने बह रही हैं, समुद्र सामने बह रही हैं, इसलिए उनको बैठा करके ना पूरा उनको वहाँ पर ले गया। ले करके अब नारद जी को बोले अभी तुम भगवान अभी भजन गाओ, वृंदावन की तुम लीला गाओ, और जितने सत्यभामा रुक्मिणी मित्र वृंदा हैं ये सब के सब थे। बोले उद्धव जी बोले एक काम करो, कोई सामने बताओ। नारद जी बोले कोई सामने बताओ, क्यों? कृष्ण को ये पता नहीं चले मैं द्वारका में हूँ, मेरे को ये पता चले मैं ब्रज में हूँ। एक काम कर जाओ, सबके सब दूर में जा करके ना झाड़ियों से देखते रहोगे, वो कल झाड़ियों से देखते रहो। और पद्मा, पद्मा कौन है? कंस की माँ, वो एकदम 6 साल की डोकरी, एकदम बूढ़ी। बोले तू दूर में खड़े रहो, पास में मत आना, दूर से वहीं से दर्शन करो। इतने में श्री नारद जी भैर उन्होंने ब्रज की बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने ब्रज की भजन गाए। बोले जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धरी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय जसोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तीरवन चारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने ब्रज की भजन गाए और कृष्ण का जो ड्रेस था ना पूरा बदला दिया, उनको द्वारका भेष हटा दिया, पूरा वृंदावन में कृष्ण जैसे रजनी काठी जैसे यहाँ तक कपड़े पहनते हैं, जैसे गले में सुंदर फूलों की माला, जैसे कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, जैसे मयूर पंख है उनका श्रृंगार, जैसे कभी कभी गोपियाँ कभी सखाएं एकदम फल पत्ते फूल सब जैसे उनका श्रृंगार करते, पूरा के पूरा ड्रेस बदला दिया। और श्री बलदेव प्रभु को बोले तुम भी संपूर्ण ड्रेस को बदला दो, इसलिए बलदेव प्रभु संपूर्ण ड्रेस बदला करके पूरा वृंदावन के पूरा ड्रेस को पहन लिया, पहन करके इतने में नारद जब भजन गाए वृंदावन की और कृष्ण वृंदावन लीला स्मरण करते 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 बेहोश हो गए थे, इतने में धीरे 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 कृष्ण का ज्ञान आया। जब ज्ञान आया कृष्ण सोच रहे थे मैं वृंदावन में हूँ, जब उन्हें सचमुच से उनको आँख खुली, सामने बलदेव प्रभु एकदम वृंदावन का ड्रेस में और सामने समुद्र, समुद्र नहीं लग रहा था जैसे यमुना नदी है, हैं यमुना नदी, और कृष्ण जब
नेत्र खुलता है ना, मैया जसोदा उनको मक्खन खिलाती, और वहां पर मैया जसोदा की स्टैचू बनाया हुआ एकदम जैसे मैया जसोदा, जैसे मैया जसोदा मक्खन लेकर बोले कन्हैया तुम मक्खन खा ले, ऐसे मैया हाथ में मक्खन लेकर खड़ी हुई है। इतने में कृष्ण का जब धीरे धीरे कृष्ण का ज्ञान आई, अभी कृष्ण सोच रहे अभी मैं वृंदावन में हूँ, मैया जसोदा को बोलते बोले जसोदा मैया मैया मैंने रात को बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, मैया मेरी बहुत शादी हो गई हैं, बहुत सारी शादी हो गई, मैंने स्वप्न देखा और पता नहीं मैंने कहाँ पर गया। मैया सामने सब ग्वाल वाल सब स्टैचू सखा सब सबके सब लग रहा था सचमुच से सखा लोग और ग्वाल वाल सबके सब, और लग रहा था सचमुच से बछड़े सामने, और जैसे गोपियाँ कुंज की आड़ से देखती हैं ऐसे सुंदर कुंज भी बनाया। इतने में कृष्ण कह रहे हैं मैया आज बहुत देखो सूर्य बहुत दूर तक उठ गया, आज हम गैया चराते चराते बहुत दूर तक हमें जाना है, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में आकर के ना मैं सारी कथा सुनाऊंगा, जैसे मेरी कैसे शादी हो गई कैसे क्या क्या हुआ मैं सबको ये सब बाद में सुनाऊंगा, आज मेरे पास में समय नहीं। जैसे कृष्ण ब्रज में रहते उनको ऐसे हाव भाव कटाक्ष जाओ, और जब कृष्ण चल रहे थे जैसे गोपियाँ कुंज की आड़ से देखती है ना, कृष्ण उनको ऐसे ऐसे देखते देखते जा रहे थे हैं, देखते देखते, और जब राधा रानी की नंबर आई एकदम सुंदर राधा रानी जैसे बनाया हुआ कुंज में, और इतने में कृष्ण राधा रानी को देख करके कृष्ण तरह शर्मिंदा हो गए, बोले क्यों? अब देखना जब कोई व्यक्ति किसको प्रेम करता है ना, अगर किसी लड़की को पता चले जाए जिसको प्रेम करता हो ये और भी किसको प्रेम करते क्या होता, उसका मन खराब हो जाती है। इतने में कृष्ण कहते राधे मैंने जो स्वप्न देखा हाँ, जब बहुत सारी मेरी रानियाँ हो गई शादी हो गई, लगता है तेरे को पता चले गया ना, इसलिए तू मान करके खड़ी हुई, इसलिए तो माँ कोई चिंता मत करो, मैं जब रात में आऊंगा ना तेरे को फिर मैं समझाऊंगा सारी बात हैं, मैंने और किसको प्रेम नहीं किया तेरे को ही मैं प्रेम करता हूँ। ऐसे कृष्ण की जो हाव भाव कटाक्ष ब्रज में रहते हुए जब ये सब चल रहे थे, इतने में जो महिषियाँ दूर में खड़ी हुई थी वो कभी कभी सोचते थे कृष्ण जब हमारे पास में सोते हैं हमारे पास में, लेकिन हर समय ब्रज की याद करते रहते हैं, ललिते है बिसा के हमारा कपड़े पकड़ कर उनको बुलाते हैं, कभी इतने रोते हैं ब्रजवासियों के लिए, उनकी आंखों से आंसू ऐसे तकिया गीली हो जाती हैं हैं, कभी कभी सोचते थे इन लोगों ने क्या ऐसे प्रेम किया कृष्ण को जादू टोना किया, लेकिन उन्होंने जब आज कृष्ण की ब्रजवासियों के प्रति जो उनने प्रेम देखा है ना, सत्यभामा रुक्मिणी तो पागल हो गई, वहाँ भाग रही थी कृष्ण को पकड़ने के लिए, अपना धैर्य धारण नहीं कर पाए, क्यों? कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे ब्रज भाव में, और जो पद्मा थी कंस की जो मैया एकदम डोकरी बूढ़ी, उसको ऐसे लग रहा था 15-16 साल की मैं छोरी हो गई, मतलब उसको ऐसी अनुभूति हो रही थी, वो तो एकदम बाबरी बन करके कृष्ण को पकड़ने के लिए जा रही थी, और किसी तरह से उद्धव नारद उनको पकड़ करके रखे, तुम कहाँ जा रही हो है, कहाँ जा रही हो तू, सबके सब उनकी ब्रज की हाव भाव देख करके सबके सब मुक्त हो गए सबके सब। फिर जब कृष्ण जब सामने और थोड़ी दूर गए, वो सामने समुद्र था ना, लग रहा था जैसे जमुना, लेकिन थोड़ी दूर गए ना देखा बड़ी बड़ी लहरियां समुद्र के आ रही, बड़ी कृष्ण तो ताजी में हो गए, क्या ये समुद्र क्या है, ये समुद्र कहाँ से आ गया है। कृष्ण को तो एकदम अक्के बक्के छक्के हो गए, वो सोच रहे थे मैं वृंदावन में हूँ, अब उनको धीरे धीरे होश होने लग गया, मैं वृंदावन में नहीं हूँ अभी मैं द्वारका में हूँ हैं, द्वारका में हूँ। फिर कृष्ण ने कहा दाऊ ये सब क्या देख रहा हूँ, बोले कन्हैया तू वृंदावन की याद करते 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 वृंदावन का भाव से बेहोश हो गया था, इसलिए तेरे को होश दिलाने के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ये नव वृंदावन बनाया, और तेरे को द्वारका से उठा करके यहाँ पर ले आए तुमको तुम्हारी होश को दिलाने के लिए, जितने सब बने हुए ना ये सब के सब स्टैचू है, ये कोई यशोदा नहीं, ये कोई नंद नहीं, ये कोई ग्वाल वाल नहीं, ये कोई सखी नहीं, ये सब के सब ब्रह्मा एकदम ठीक वैसे बनाया हाँ तुम्हारे होश को दिलाने के लिए। फिर तो कृष्ण को बड़ा शर्मिंदा लगा, पता नहीं ये मई से लोग क्या सोचते होंगे मेरे को देख करके, हाँ ब्रज में रहते हुए मैंने गोपियों को राधा रानी को इतना प्रेम करता हूँ उनको लगा देख कर क्या लगा होगा, लेकिन ये रुक्मिणी सत्यभामा को पता चला कृष्ण ब्रजवासियों का जो नौकरों को जितने कृष्ण प्रेम करता है उतना हमें कृष्ण प्रेम नहीं करते हैं,
अभी उनको पता चला ब्रज की कितने महिमा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की जो चौथा माधुर्य है ये भगवान की रूप माधुर्य है, जिसको देख करके कृष्ण स्वयं जब मणि स्तंभ के ऊपर अपना परछाई को दर्शन करते हैं कद अपर कलित पूर्वम कस्मत कर गए। मतलब है ये देखो कृष्ण अपना परछाई को कौन है, आश्चर्य हो जाते हैं कृष्ण हैं। इसलिए कृष्ण कृष्ण रूप देख करके उनको इच्छा करता है, राधा रानी जैसे कृष्ण को आलिंगन करती हैं, कमर ऐसे दिन आएगा मैं भी इनको ऐसे आलिंगन करूँगा। इसलिए कृष्ण के कहती ये चार ही माधुर्य हैं, एक चार माधुर्य में जो इनका एक माधुर्य इसको बताया ये वेणु माधुर्य, एक माधुर्य वेणु माधुर्य है। इसलिए वेणु माधुर्य को पर में भागवत में पूरा के पूरा श्री सुखदेव गोस्वामी एक अध्याय तो उन्होंने केवल बंसुरी बंसुरी की माधुर्य को वर्णना करते हैं, इसलिए जिसका नाम है वेणु गीत बताया। कहते वेणु गीत में कहते भगवान के वेणु का तीन शब्द आया है, एक है उनका वेणु है, एक है कि बंसुरी है, हाँ कहते एक है उनकी मुरली है, हैं मुरली बंसी और वेणु, कहते उनका तीन नाम आती है। तीन नाम में जो एक जो बना हुआ हैमयी, हैम मतलब तो सोना में एक है, एक है मणि में बनी हुई होती है और एक होती है बांस में, ये तीन चीज में इनको बनी हुई होती है चीज है। और इनका जो कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं उसको मतलब तीन तरह का उनका बंसुरी बताया है, कहते एक बंसुरी है बोले सनमोहिनी है, और दूसरा है आकर्षणी, और एक का नाम है आनंदिनी। इनकी ये सबके सब बंसुरी अलग अलग समय पर अलग अलग बजाते हैं, और एक होता है सर्वभूत मनोहर और एक होता है गोपीभूत मनोहर है। कभी कभी ऐसे कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, कृष्ण जब बंसी भट्ट को नीचे खड़े होकर के बंसुरी बजाए वो था केवल गोपीभूत मनोहर, नहीं तो संपूर्ण ब्रजवासी सबके सब आ जाते मुड़ करके। हाँ कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते हैं जो बंसी ध्वनि को सबके सब सुन सकते हैं, सबके सब सुन सकते हैं, हाँ ऐसे। इसलिए जिसको कहते सर्वभूत मनोहर है, इसलिए कहते उसमें कहते कृष्ण कभी ये बंसुरी को बंसी भट्ट में जब कृष्ण खड़े होकर जिसको बजाए हैं, कहते बंसी भट्ट में जिसको खड़े होकर बजाए, कहते वो जो वेणु थी कहते उसमें ना छिद्र था, ना होल उसमें अंदर में हैं, उसमें ना होल है। और कभी कभी कृष्ण जब श्री राधा रानी को बुलाती है कहते उसी समय कहते वो मुरली में कहते चार उसमें केवल छिद्र उसमें चार होल उसमें होता है। और कभी कभी कृष्ण जब गैया को जब बुलाते हैं कृष्ण कभी कभी कहते गैया को बुलाते समय कहते उसमें हैं उसमें और कितना छेद होता है, इसलिए वहाँ पर सब अलग 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 उसमें छेद हैं। एक हुए हैं बंगला में एक कवि हुए हैं बोले जिसका नाम है कहते हैं शिवराम, कोई एक शिवराम को एक हुए तो उन्होंने बंसी ध्वनि की अद्भुत अद्भुत चमत्कारिता महिमा उन्होंने वर्णना किए। जब पहला छेद में फूंकते हैं क्या होता है, दूसरा जो छेद में जो फूंकते हैं उसमें क्या होता है, बोले तीसरा छेद में जो फूंकते हैं वो क्या होता है, उसमें उन्होंने अलग 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 उन्होंने बात बताए। अभी मैं थोड़ा बंगला में पढ़ता हूँ आप लोग उसको सुन लो। बोले प्रथम रंध्रेण गाने ब्रह्मार भांगिल ध्याने द्वितीय ते जमुना उजान, कहते कृष्ण जब पहला छेद में जो बंसी में उसमें फूं देते हैं जो ब्रह्मा का जो ध्यान है वो ध्यान भी ब्रह्मा का टूट जाती है, ब्रह्मा का बुद्धि भी विचलित तो हो जाते हैं जो पहला छेद में जब उन्होंने फूं देते हैं। बोले द्वितीय ते द्वितीय छेद में जो बंसुरी बजाते हैं बोले जो यमुना जब ऐसे जो यमुना बह रही है वो यमुना ऐसे उल्टा बहने लग जाती है, वो उल्टा बहने लग जाती है उल्टा। फिर भागवत में वर्णन आएगा कि सुंदर सुंदर इस कमल फूल खिले हुए जैसे ऐसे जब बहते हुए जब उल्टा बहती है फिर क्या होगा उसमें भ्रमर पड़ जाती है। फिर सुंदर यमुना सुंदर फूलों को लेकर कृष्ण के चरण में वो समर्पित कर देती है। बोले तृतीय रंध्र कथा सुन वृषभानुसुता पवनेर हय हत ज्ञान, बोले तीसरे छिद्र में जब
बजाते हैं उसमें कहते पवन रहाय हत ज्ञान, जो वायु जो बहती है, हैं, इसलिए वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है धीर समीर, है धीर समीर, कहते धीर समीर में, समीर मतलब होता है हवा, है जो हवा बहती है, जहाँ पर जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं जो हवा भी वो धीर हो जाता है, हवा भी चल नहीं पाती, हवा भी वहाँ पर स्थगित हो जाती है। चतुर्थ रंध्र गाने ब्रज गोपीर बाजे काने उनमत भ्रमरी प्राय, कहते चतुर्थ छेद में जब बजाते हैं उसमें क्या होता है, कहते ये गोपियों को कानों में जब बंसुरी की ध्वनि जब गोपियों को कान में पड़ती है उस समय जब गोपियां है ना एकदम उन्माद हो जाती, उन्माद होकर के जैसे एक काजल में जो काजल पहने जब बंसी ध्वनि सुनते हैं फिर दूसरे आंख में काजल पहना भूल जाती है, जो गले का जो हार है उसको क्या करते हैं कमर में पहन लेते हैं, और कमर का जो करधनी वो गले में धारण कर लेते हैं, हैं जैसे साड़ी पहने हुए हैं कभी आधा साड़ी पहनी हुई इतने में बंसुरी की आवाज़ सुनने को मिली, उस समय आधा साड़ी पहनी हुई उसी समय में कृष्ण के पास में चल पड़ती है, कोई गैया दोहन करते हुए हैं अगर बंसुरी की आवाज़ सुने तो वहीं पर गैया दोहन भी वहीं पर छोड़ देती है, कोई खाना बनाती है और उसी समय अगर उनका कान में बंसुरी पड़ जाए पास वहीं पर उन्होंने खाना बनाना भी वहीं पर छोड़ देती है, कृष्ण का तरफ में दौड़ पड़ती है, इसलिए एक वो क्षेत्र में जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं जिसको सुन करके ब्रज गोपियों की जो मन है वो संपूर्ण रूप में जो करते हैं सबके सब उल्टा पुल्टा करने लग जाती है, बोले बस न पड़ित नारे निबंध खसी पड़े एलो के सही पत अध्याय, उस समय हाँ बंसी ध्वनि सुन करके उनका जो कपड़ा भी पहन नहीं पाते हैं और उनका जो केस है खुली खुली केस रह जाती है, पंचम रंध्रण स्वरे अपने से धेनु फिरे पुनः धेरु जाते ना पारे, जो पंचम जो छिद्र में जब बंसुरी बजाते हैं जब गैया घास खाते हैं, हैं जब घास खाते समय वो बंसी ध्वनि सुनते ही उनको मुंह में जैसे घास बेस रह जाती है, जब बछड़े जब वो बंसी ध्वनि श्रवण करते हैं मुंह में जो दूध पीती रहती है ना बस ऐसे तैसे दूध रह जाती है और धीरे धीरे दूध अंदर में नहीं तो दोनों धार से दूध बहने लग जाती है, हैं उनका दोनों धार से दूध बहते हुए नीचे गिर जाती है, और पुनः धेनु फिर ना पाए, मतलब जैसे गैया जाते हैं ना जैसे गैया वापस आते हैं अगर उसी समय बंसी ध्वनि को सुने फिर तो गैया जहाँ के तहाँ खड़ी रह जाती है भैया और चल नहीं पाती हैं, कहते तो उन्मुख धाये धेनु जेखाने बाजाए बेणु आगे आसी मोह मुख रिवितीर्ण नाही खाए चित्रपुत लिखा पाए कोकिला देर स्वर भंग है सप्तम रंध्रण गीते कदम बाद विकसित षड ऋतु बहे एकता ने, कहते जो सप्तम जो छिद्र में जब उसमें जो बंसुरी बंसुरी बजाते हैं कहते उस समय क्या होता है, कहते वृंदावन के सारे पेड़ का जो फूल है कदम का जो फूल अपने आप खिल जाता है, इसलिए दूसरे गोविंद लीला मृत में बताए कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं प्रवेश करते ही जब उन्होंने कृष्ण बंसी बजाते जब बंसी बजाते हैं कृष्ण जब वापस आते गैया चराते हुए कहते जितने वृंदावन का वृक्ष का जितना फूल है वो अपने आप सूख जाती है, अपने आप मुरझा जाती है सबके सब, केवल क्यों कृष्ण चले आए हैं, लेकिन कृष्ण जब फिर वृंदावन में प्रवेश करते हैं प्रवेश करते जो बंसी ध्वनि करते हैं बंसी ध्वनि सुनते ही मानव वृक्ष में एकदम चेतनता आ जाती है, बोले कृष्ण आ गए, और जितने सारे वृक्ष में जो फूल है वो अपने आप फूल सबके सब प्रस्फुटित हो जाते हैं कृष्ण का स्वागत करने के लिए, मयूर नृत्य करना शुरू कर देते हैं सारे वृंदावन जैसे कृष्ण आ रहे हैं सबके सब वृंदावन उनको स्वागत करते हैं, अब कोकिलादिर स्वर भंग है कहते कोकिल जो कुहुकती हैं कृष्ण बंसी ध्वनि सुनकर के कुहुकना भी वो भूल जाते हैं, और एक साथ में कृष्ण बंसी ध्वनि सुनकर के जो छह ऋतु हैं एक साथ में छह ऋतु प्रकट हो जाते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, बोले अष्टम रंध्रण गाने गाए सदा तव नामे अबहले बंसी करे सुनह अमार धर्म असाध्य बंसी कर्म
त्रिलगते बहित बांसरी गाने बांसरी कत गुण की करीब निरूपण शिवराम की कहते पारे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो बंसी ध्वनि श्रवण करके जो असंभव वस्तु सबके सब संभव हो जाता है, सबके सब हाँ सबके सब असंभव वस्तु जगत में। इसलिए कृष्ण जो कुछ करते हैं वृंदावन में बंसी ध्वनि के द्वारा सारे काम करते हैं, सारे बंसी ध्वनि के द्वारा। इसलिए कहती है भगवान की बंसी ध्वनि चार माधुर्य में एक माधुर्य श्री बंसी की माधुर्य। इसलिए कहते कृष्ण कहती जो बंसी ध्वनि बजाए कहते अभी वर्णना करते हैं कि ये शरद ऋतु का वर्णना करते हैं। बोले शरद ऋतु किसको कहते हैं और शरद ऋतु में क्या होता है? बोले भगवान जब कृष्ण रास रचाए, बोले कौन सा ऋतु में कृष्ण रास रचाए? इसलिए भागवत में आता है बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमायांगमुपाश्रित। भगवान ये शरद ऋतु में ही रास किए। बोले ये शरद ऋतु में क्यों रास किए? अभी वर्णना आता है, शरद ऋतु का वर्णना करते हैं। कृष्ण के सखाओं के साथ में गया चराते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं, हैं? और गोपियाँ अपना घर में बैठ करके अपना दिव्य नेत्र से भगवान की झांकियों का दर्शन करते हुए तो उन्होंने बंसी की महिमा गाती है। कहते हैं ये छह ऋतु है। पहला नंबर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और ये बसंत है, हैं? इसमें पहला आता है ग्रीष्म। ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी का समय। अब देखना गर्मी का समय पर सारे नदी का पानी सूख जाती है, पेड़ का जितने सारे पत्ते क्या होता है सबके सब पत्ते झड़ जाती हैं, हैं? सारे वृक्ष एकदम गर्मी की ऋतु में प्यास ऐसे सबके सब छाती जैसे फटती है। नदियाँ धीरे 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 नदियाँ सूखती जाती हैं, जितने सारे तालाब का पानी धीरे 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 कम हो जाता है, हैं? इसलिए कहते हैं ये ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म बाद में कौन सा आती है? वर्षा। तो तुम्हारा बारिश आती है, हैं? जब वर्षा ऋतु आती है आप देखे होंगे कभी तक तो बड़ी जोर से उमड़ झुमड़ तो भी बारिश आती है, कभी जब रिमझिम रिमझिम बारिश आती है, आने पर क्या होता है सारे वृक्ष में एकदम प्राण संचार हो जाता है और नदी में पानी भर जाती है, हैं? नदी में पानी भर जाती है, सभी का हृदय में एक अलग एक उमंग एक अलग एक उत्साह सभी का हृदय में आती है वर्षा ऋतु में। लेकिन उसके बाद में आता है शरद। कहते शरद ऋतु आने पर देखना जब वर्षा ऋतु आती है ना पानी एकदम मिट्टी मिट्टी पानी हो जाता है, हैं? मिट्टी मिट्टी पानी, जितना नदी में पानी देखना मिट्टी, जितने तालाब में पानी मिट्टी, सब के सब मिट्टी मिट्टी पानी हो जाता है, चारों तरफ में कीचड़ कीचड़ होता है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है उस समय में पानी अपने आप निर्मल हो जाता है, अपने आप पानी नदी का पानी और तालाब का पानी सबके सब निर्मल हो जाते हैं पानी। और निर्मल हो जाने पर सारे वृक्ष में सारे सुंदर सुंदर फूल खिली जाती हैं, जूई चमेली बेली केतकी मालती ये सब के सब ये शरद ऋतु में ये सब के सब फूल खिलता है। और सरोवर में चार तरह का कमल का फूल खिला हुआ रहता है, नील कमल रक्त कमल हैं सब सब लाल कमल श्वेत कमल सबके सब कमल फूल खिलता है। राजहंस सुंदर रूप में राजहंस क्रीड़ा करते हैं ये शरद ऋतु में। इसलिए शरद ऋतु को बताया गया सर्वश्रेष्ठ हाँ सारे। इसलिए भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा में इसलिए कृष्ण रास किया। इसलिए अभी वर्णना करते हैं कृष्ण जब शरद पूर्णिमा में शरद ऋतु में जब कृष्ण सखाओं के साथ में से वृंदावन में प्रवेश करते हैं गैया चराने के लिए, हैं? जब चराने के लिए प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक श्लोक में वर्णना करते हैं बोले कुसुमित बनराजी सुस्मि भृंग दीज कुल घुट सर सरित महेंद्री मधुपति बाग चा चारयन गा सह पशुपाल बल सुकुजु बेणु। कहते कुसुमित बनराज सुस्मि भृंगम जब सुंदर सुंदर जब फूल खिलता है उसमें भौंरा है झुंड के झुंड आकर के भौंरा उसमें बैठते हैं और उसी समय सुंदर जो कोकिल बड़े सुंदर कुहू कुह शब्द से कोकिल भी बड़े सुंदर सुंदर हैं बड़े कूकती हैं और जितने सारे जंगल में सुंदर सुंदर पक्षी भी सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज करते हैं, हैं? और कृष्ण सखाओं को साथ में
उनका दाम, वसुधा, मधुमंगल, स्तो कृष्ण, अर्जुन, लवंग, ये सारे के सारे सखाओं के साथ में कृष्ण वृंदावन में गैया चराने के लिए प्रभु जाते हैं। जब गैया चराने के लिए प्रभु गए, इधर किया हुआ गोपियां घर में बैठी हुई, बैठ करके अपना दिव्य नेत्र से वो सबके सब वहीं से दर्शन कर रही हैं, कृष्ण कैसे वृंदावन में कैसे सुंदर वंशी ध्वनि कर रहे हैं, कृष्ण के सखाओं के साथ में गैया चराते हैं। और कृष्ण जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, कहते कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके गोपियां कहती जो घास है ना, कहती ये घास नहीं, मानो कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी प्रसन्न से जैसे उनको रोंगट जैसे खड़े हो जाते हैं, कहते उनका रोंगट जैसे खड़े हो गए, बोले जो झरना बहती, बोले झरना नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा आनंद हो ना, आंखों से आंसुओं की झरना झरी बहती है, कहती ये झरना नहीं, ये पृथ्वी प्रसन्न होकर के आंखों का आंसुओं को बहा रही है ये पृथ्वी है। कहते भैया गिरिराज गोवर्धन में जब चलते हैं वहां तो नुकले नुकले पत्थर है, नुकले नुकले पत्थर, तो कांटा, बोले नहीं कांटा नहीं, बोले उसी समय ये गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा को निकाल देती है, जीवा कितने गुदगुदी होता है, जीवा निकाल देती है, और साधु लोग तो अपना हृदय को ही बिछा देते हैं, बोले प्रभु हमारे हृदय के ऊपर में प्रभु आकर के प्रभु का चरण पड़े। इसलिए वृंदावन जब कृष्ण प्रवेश करते हैं, वृंदावन प्रसन्न हो जाती है, कहते हमारा अहो भाग्य है आज कृष्ण का चरण स्पर्श मिला, क्योंकि भगवान का और जितने सारे अवतार हुए हैं देखना, राम नारायण सबके सब पादुका पे, लेकिन कृष्ण ही ऐसे एक अवतार हुए जो उन्होंने पादुका नहीं ग्रहण किया, नंगे प्यार में वृंदावन में उन्होंने सर्वत्र भ्रमण करते हैं, है नंगे प्यार में भगवान भ्रमण किए, इसलिए वृंदावन धाम की आनंद की कोई सीमा नहीं, हमारे कितने सौभाग्य। और कृष्ण जब चलते हैं क्या होता है, उनका चरण का छाप पड़ता है, है? चरण का छाप पड़ता है, और कृष्ण का चरण में कितना चिन्ह है, कहते उन्हीं से चिन्ह है, उन्हीं से चिन्ह है, इसलिए पृथ्वी पर जब कृष्ण चलते हैं पृथ्वी के ऊपर में भी उन्हीं से चिन्ह पृथ्वी के ऊपर में पड़ती है, इसलिए पृथ्वी अपना हृदय में कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके इतने प्रसन्न होती हैं, प्रभु की मेरी ऊपर में कितने कृपा है, उनका नंगे प्यार में प्रभु सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो गोपियां बैठ करके एक श्लोक उच्चारण करती हैं, बले बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती च मालाम रंध्रान बेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। ये जो श्लोक है कहते भागवत में तीन जगह पर तीन तरह के भक्तों ने तीन श्लोक को द्वारा कृष्ण की सुंदरता को वर्णन किया, बहुत श्लोक है लेकिन तीन श्लोक में एक तो ब्रह्मा जी जब कृष्ण बछड़ा चुरा करके ले गए थे बछड़े सखाओं को, जब ब्रह्मा जी को पता चला ये कौन है, बोले ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि कारण कारण, उनको जो पता चला ये सारे कारणों का कारण है, तब ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरण में प्रणाम किया, आंखों का आंसुओं से चरण धोए और खड़े होकर के भगवान को स्तुति का जो पहला जो श्लोक है कहते नव मिट्यते अभ्र बभुसे तड़िताम्बराय, ये श्लोक है, बोले गुंजावतंस परिपीच लसत मुकाय, कहते ये श्लोक ब्रह्मा कौन है, बोले भगवान को अपना प्रभु मानते हैं, अपना अपना को दास मानते हैं, हम भगवान के सेवक हैं, इसलिए सेवक होने का नाते ये जो भगवान की जो रूप का उन्होंने वर्णना की उसमें ज्यादा ऐश्वर्य का प्रकाश उन्होंने किया है, क्योंकि उनको भगवान के प्रति जो भावना है कृष्ण प्रभु और हम उनका दास है, हैं? इसलिए और दूसरा जो कृष्ण की जो महिमा किसने गाए, बोले मथुरा की रमणी, जब कृष्ण सखाओं के साथ में गैया चराते आए भातरोल में, सखान का कहने आज बड़ी भूख लग रहा है, हाँ ये भूख लग रहा है, बोले कोई चिंता मत करो जाओ ये ब्राह्मणों के पास में जाओ और बोलो कृष्ण बलराम पास में आए हैं वो कुछ भोजन देंगे, लेकिन जब वहाँ पर गए उन लोग ने सुन करके भी अनसुना कर दिए, सुने ही नहीं,
बोले कृष्ण तू कह रहा था वो जाने पर कुछ भोजन देंगे, लेकिन वहां पर गए तो वो सुनकर के भी अनसुना कर दिए। बोले एक काम करो, उनको पत्नियों के पास में जाओ, उनका जो पत्नियां है ना मेरे परम भक्त है। बोले जिन लोग त्रिवेदी चारिवेदी द्विवेदी इतने बड़े शास्त्र पढ़े हुए, सारे शास्त्र को पढ़ करके रखे और ये तेरे को पहचान नहीं पाए, जो स्त्रियां हाँ जो अपवित्र रहने वाली वेद में अधिकार नहीं, तू कहे तो उनको पास में जाओ, सही भक्त है, जाकर देखो। पास सचमुच से जब गए, जब उनको बोले कृष्ण बलराम पास में आए हुए भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, वो जितने यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ और बढ़िया पकवान बनाया था ना, सबके सब ले करके वहीं से भागे हैं। जब वहां से भागे, जब कृष्ण को दर्शन किया तब तो उन लोगों ने बोले श्यामम हिरण परिदिंग बनमाल वरा, तो उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किए, कृष्ण कितने सुंदर है कितने सुंदर। इनका जो स्तुति हमें इसमें माधुर्य भी प्रकाश है और उसमें ऐश्वर्य भी प्रकाश है, क्योंकि वो मिश्रित भक्त है, माधुर्य और ऐश्वर्य जो मिश्र उसमें अंदर में ये। लेकिन ये जो श्लोक है, अभी जिस श्लोक की अर्थ सुनेंगे, कहते इसको कौन बोले, बोले राधा रानी। ये श्लोकों को श्री राधा रानी ब्रज की गोपियों ने ये श्लोक को बोले, जिसमें संपूर्ण माधुर्य माधुर्य जिसमें, इसलिए उसका जो पहला शब्द है बोले बराहा पीड़म, कृष्ण सर पर क्या लगाते, बोले मोर पंख लगाते। बोले मोर पंख क्यों लगाते, उसको पीछे पांच कारण, उसमें पांच कारण बताया है। बोले पहला कारण बताए, जो मयूर है ये ब्रह्मचारी है, ये कभी भी अपना पत्नी को साथ में कभी नहीं मिलती, ये ब्रह्मचारी, इसलिए भगवान ब्रह्मचारियों को बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया मयूर पंखों को सर पर लगाया, ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण है क्या, वह मयूर में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, उसमें श्री राधा जी के नाम लिखा हुआ है, इसलिए कृष्ण सर पर धारण किए, इसलिए मानो कृष्ण सर पर लगा करके ना सारा दुनिया में श्री राधा रानी की महिमा को, जगत में राधा जी की महिमा को प्रकाश करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, जय। जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये एक कारण है, दो कारण हो गया उसमें राधा जी के नाम। बोले तीसरा कारण किया, जो मरुपंख क्यों लगाते हैं, बोले कृष्ण का एक नाम हम सुनेंगे नटवर, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, वो नटवर है। बोले जितने आप मयूर का नृत्य देखे हो, देखना मयूर पंख खोल कर ना बड़ा सुंदर नृत्य करता है, पंख खोल कर बड़े सुंदर अद्भुत नृत्य करता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं जगत में जितने नाचने वालों में सबसे श्रेष्ठ नाचने वाला मैं हूँ, मेरा नाम नटवर है। इसलिए इसलिए मयूर बड़ा सुंदर नृत्य करता है, इसलिए कृष्ण मयूर पंख लगा कर बोले सबसे नाचने वाले में मैं सुंदर हूँ, ये इसका तीसरा कारण है। इसका चौथा कारण बताए, आप देखना मयूर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए, बिजली चमकने शुरू कर दिए, गड़गड़ गड़गड़ शब्द हो जाए है, उसी समय मयूर पंख खोल करके बड़े सुंदर रूप में नृत्य करता है। अब इधर मयूर है इधर, इसलिए मयूर तभी सुंदर नृत्य करता है मोबलम्बा में। हाँ, और फिज में मयूर है, दिखती देखने को मिलती है मयूर, हाँ खुली जगह नहीं है, फिज में नहीं दिखती है। अरे यहाँ पर कितने खुली जगह, खुली ही खुली है, ये आश्रम में दो तीन मयूर लाग रखे हैं, इसलिए मयूर तभी नृत्य करता है। इसलिए एक दिन कृष्णा सुंदर बंसुरी बजा रहे थे, कृष्ण का शरीर का रंग कैसे है, काले मेघ जैसे, पीताम्बर कैसे है, जैसे उसमें बिजली चमकती है, और जो बंसुरी बजा रहे थे वो क्या बोले गड़गड़ गड़गड़ जैसे शब्द होता है। इसलिए मयूर तो देख करके पंख खोल करके थिरक थिरक करके मयूर नाचना शुरू कर दिया। अब देखना जब कोई नृत्य करता है ना, हम क्या करते हैं, कुछ पैसा दे करके घुमा घुमा करके उसको जोड़ते थे। अभी मयूर बड़ा खुश हो गया, आज कृष्ण बड़ी सुंदर बंसुरी बजाए और मैंने बड़े सुंदर नृत्य की, अभी कृष्ण को कुछ देनी चाहिए, अभी मैं क्या दूँ, मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, केवल पंख है। इतने में मयूर ने अपना पंख को झाड़ दिया, झाड़ दिया तो उससे एक पंख गिर पड़ा, पंख गिरते ही वो प्रेम का उपहार है, इतने में कृष्ण उठाया पंख और अपना सर पर लगा दिया। इसलिए ये एक कारण है कृष्ण मयूर पंख क्यों लगाते हैं। इसका कितना हो गया,
कितना हो गया? चार हो गया। इसका पंचमा कारण बताए, एक दिन कृष्ण जा रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर के पंख गिरा हुआ, पंख छोड़ता है मोर, पंख छोड़ता है, मेन रोड के ऊपर गिरा हुआ पंख। ने कहा कृष्ण देख, मैं जिसको पीछे लगा हुआ था ना, उसने मेरे को किसे त्याग दे दिया, मेन रोड में पड़ा हुआ, मेरे को कोई पूछने वाले नहीं। बोले चिंता क्यों करते हो, जगत में जिसको कोई नहीं पूछते है ना, उसको पूछने वाला मैं हूँ, हाँ मैं तेरे को ग्रहण करता हूँ। इसलिए भगवान उठाया, कहाँ स्थान दे दिया, अपना सर के ऊपर में स्थान दे दिया भगवान। इसका मतलब है जगत में किसको जो नहीं पूछता है, पूछने वाला कौन है? श्री बांके बिहारी है, ये कृष्ण सबको पूछने वाले। इसलिए बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, ये दीनों का बंधु करुणा की ये सिंधु है। इसलिए इसका छठवां कारण बताए, बरसाना में आप गए हो, वहां पर एक मयूर कुटी है, है? वो मयूर कुटी जहां पर कृष्ण और राधारानी दोनों मयूर और मयूरी बने करके जिसको ऊपर नृत्य किया था। इसलिए कभी श्री राधारानी मयूरी बनी थी, इसलिए राधारानी की स्मृति के लिए उन्होंने क्या किया, मयूर पंख को अपना सर पर लगाए। इसलिए बोले बराहा पीड़म, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बड़ा सुंदर टीका लिखते हैं, कहते मैया जसोदा कृष्ण को बड़ी सुंदर श्रृंगार करती है, कृष्ण का बाल कैसे एकदम घुंघराली, काले घुंघराली बाल कृष्ण के, सुंदर बाल है, जैसे कभी कभी उन्हें बड़े सुंदर चोटी बना देती हैं, और चोटी में मणि मुक्ता से है, जो माला मणि मुक्ता माला से कृष्ण का चोटी बनाकर उसमें बांध देती है, और क्या करती है उसमें एक मयूर पंख लगा देती है। तो उदाहरण दिया, मयूर पंख में इंद्रधनुष होता है ना, इंद्रधनुष उसको क्या बोलते हो अंग्रेजी में, रेनबो है, कल पढ़ा था ना रेनबो। आप देखना रेनबो कब बैठता है, एक तरफ में सूर्य उदय हो, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है, ठीक देखना उसको ठीक उल्टा तरफ में रेनबो पड़ता है, इसलिए मयूर पंख में रेनबो। अब देखना मयूर पंख में क्या है, उसमें पूरा पंख में पूरा रेनबो उसमें है, उसमें इंद्रधनुष है, इसलिए इंद्रधनुष कब पड़ता है उल्टा दिशा में। इसलिए कृष्ण का केस कैसे एकदम काले रंग के केस है, कृष्ण की काले रंग की केस है, इसलिए केस होने पर और ठीक उसका उल्टा तरफ में मयूर पंख लगा देती है ना, केस उनके काले हैं, हाँ जैसे केले केस काले हैं और उसमें उल्टा जैसे इंद्रधनुष पड़ता है, उसी तरह मयूर पंख में भी बड़े सुंदर इंद्रधनुष है, बड़े सुंदर रूप में शोभा पाता है, हाँ बड़े सुंदर। बोले बोले बराहा पीड़म बोले नटवर बपुहु, बोले भगवान की स्वरूप कैसे है, हैं बोले नटवर है, शंकर जी का नाम है नटराज, शंकर जी का नाम नटराज है, इसलिए शंकर जी पहले सोचते थे सबसे बढ़िया नाचने वाला मैं हूँ, क्योंकि मेरा नाम क्या है नटराज हूँ, जितने सारे नाचने वालों में राजा मैं हूँ। लेकिन जब कृष्ण कालियोग, ये कालियोग का स्थान है ना, यहाँ पर लंबा सा कालियोग पूजा करते हैं, इसलिए कृष्ण जब कालियोग सर पर नृत्य किए, बोले कितना सर था, बोले उनके था 100 फण, 100 फण उसको, हाँ जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे इतने में काली एक साथ में कृष्ण को काटने के लिए 100 फण से आक्रमण कर रहा था, लेकिन कृष्ण एक फण को बचा करके दूसरे में तीसरे में चौथे कृष्ण इतने तेजी से नाच रहे थे उसका सर को पर में, सारे देवता लोग उतर करके आ गए, सबके सब कोई बाजा बजा रहे, कोई मृदंग कोई करताल है, कोई सितार गिटार सबके सब गा रहे हैं, और कृष्ण कालियों के सर पर नृत्य कर रहे हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 फन पौ पर बिंग 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 बिनत करत नाथ बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गण, नम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बोले बम बम बलिहारी, शंकर जी जब प्रभु का नृत्य देखा ना, बोले प्रभु आपकी बलिहारी हो, प्रभु आपकी जय जयकार हो, बोले कालिया नथन भगवान की जय, बोले प्रभु आपकी जय जयकार हो, मैं तो पहले सोच रहा था भैया सबसे बढ़िया नाचता हूँ मैं हूँ, हैं लेकिन प्रभु आप, बोले बड़े बड़े कलाकार देखा, कोई गिलासिया के ऊपर नृत्य करता है, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करता है, कोई
हैं, कोई तलवार के ऊपर में, कोई सर में कलसी रख करके नृत्य करता है। मैंने कभी देखा नहीं कोई सांप के ऊपर सर के ऊपर नृत्य करने वाले। इसलिए प्रभु आपकी बलिहारी हो, इसलिए कहते भगवान किया है बरहा पिडम नटवर बपु। उनका जो बपु मतलब स्वरूप है वो नटवर मतलब नट मतलब शंकर हो गए, बर मतलब होता है बर पति। बोले शंकर का भी जो पति, बोले शंकर जी के पति के, बोले कृष्ण जब रास करेंगे शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन करने के लिए आते हैं, और गोपियों का पति कौन? कृष्ण ही ना, इसलिए शंकर कृष्ण कौन है? बोले नट बर है ये शंकर जी का भी जो पति। और कहते रमार्चित पद, कहते जिसके चरण कमल को रमा मतलब होता है कौन है? रमा श्री लक्ष्मी है बात रम, यहाँ पर होता है श्री शिव पार्वती भी जिनके चरण को वंदना करते हैं, इसलिए कहते नटवर बपु। कहते कृष्ण का शरीर नटवर, तीन जगह से टेढ़े देखे ना, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है, इसलिए तीन जगह से टेढ़े, इसलिए जब कृष्ण चलते हैं ना, इसलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं गत गमनम नृत्यम। जब वृंदावन में कोई चलते हैं लगता है चलता नहीं, जैसे नाचता है, हाँ वृंदावन में नाचते हैं। इसलिए कृष्ण का जो बपु है कैसे है, जब कृष्ण चलते हैं लगता है बड़े सुंदर नृत्य करते हैं, और उनका सब हैं कहते उनको गला, उनका जो गले में हार है वो भी नृत्य करती है। हाँ कृष्ण के गले में जो फूलों की माला है, कान में जो कुंडल है, उनका जो वस्त्र है, हाँ कृष्ण का सब कुछ जैसे नृत्य करता है। और कहते उनको जो दर्शन भी करते हैं ना, उनका दिल भी नृत्य करता है, उनका हृदय भी नाच उठता है, जो दर्शन करते हैं उनको भी और कृष्ण भी, सबके सब जो दृश्य तो सब नाचते हैं सबके सब। इसलिए बोले नटवर बपुहु बोले कर्णयो कर्णिकारम। दो कान है लेकिन उसमें एक कनियर पुष्प धारण करते हैं। कनियर पुष्प जानते हो? कनियर पुष्प जानते कि नहीं? येलो हाँ येलो रंग का, देखे देखो वो जो हाँ छोटा छोटा येलो रंग का है ना, हाँ ये कनेरी पुष्प है। इसलिए कहते इसमें कभी कभी देखना जिधर सूरज होता है ना, कभी कभी फूल उस तरफ में घूम जाती है, उस तरफ में घूम जाती है। और कनेरी के दो कान में एक क्यों पहनते हैं? बोले कृष्ण जब सखाओं के साथ में चलते हैं ऐसे मतवाला होकर के मदमस्त होकर के, ये फूल कभी इधर लगा देते हैं, इधर फूल का कभी इधर लगा देते हैं, हाँ कभी अल्हड़पण है मस्ती से चलते हैं कभी कृष्णा। और जब कृष्णा जब कृष्णा नंद भवन में होते हैं, गोपियों को बोल तो नहीं सकते हैं आज मैं किधर गया चराने जाऊंगा, आज किधर कुंज बनेगा, आज हम किधर मिलेंगे, तो कृष्ण बोल ही नहीं सकते। इसलिए कृष्णा जिस तरफ में जाएंगे ना, कृष्ण क्या करते हैं वो फूल को कान में लगा देते हैं, लगा करके ना ऐसे दिखा देते, बोले गोपियाँ आज इस तरफ में आना, आज मैं इधर गया चराने जाऊंगा, तुम लोग उधर चले आना, आज उधर ही हम हैं, आज उधर ही हम लीला करेंगे हैं। इसलिए कृष्ण कभी कभी गोपियों के तरफ में भी जिधर गोपी है उस तरफ कभी लगा देते हैं, मतलब उनके प्रति विशेष प्रेम को प्रकट करते हैं। इसलिए कर्णयो कर्णिकारम बोले बिभ्रत बास, कहते भगवान की जो वस्त्र कैसे हैं? बोले पीताम्बर है। बोले कृष्ण पीताम्बर क्यों पहनते हैं? बोले कारण है कहते श्री राधा रानी का अंग का जो रंग है, बोले तप्त कांचन गौरांगी। गोपियों का शरीर का जो रंग है एकदम तपे हुए सोने के जैसे, एकदम तप्त कांचन गौरांगी, एकदम सोने वर्ण के राधा रानी का अंग है। इसलिए राधा रानी, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? ठीक वैसे ही वस्त्र प्रभु धारण करते, कारण है उनका प्रति विशेष प्रेम। बोले राधा रानी कौन सा वस्त्र धारण करती हैं? बोले नील वसना गौरी रूपे गुण धन्या, और नील वस्त्र को धारण करती हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण का जो रंग है श्याम रंग है, नील वर्ण है, इसलिए मानो दोनों दोनों के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए कहते ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं, हैं? इसलिए बोले बिभ्रत वास कनक कपि स्वयं वैजयंती च मालाम। गले में जो प्रभु माला धारण करते हैं किस चीज की माला? बोले वैजयंती माला। बोले वैजयंती माला मतलब क्या है? बोले कभी सात रंग का, कभी पांच रंग का। कहते भगवान की जो भक्ति है कहते मुख्य पांच रस है और गौण सात रस है, हैं? इसलिए कभी पांच रंग की कभी सात रंग की मतलब है, कहते पांच रंग का जो मुख्य रस है शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर और प्रेमातुर, ये पांच तरह के भक्त है। मानो भगवान अपना हृदय में सारे भक्तों को अपना हृदय में धारण करके रखे,
हाँ प्रभु सबको गले में धारण करके रखते रहे भगवान, इसलिए बोले वैजयंती च माला। कहीं कहीं पुराने में बताया जो पांच रंग का जो फूल है उसमें बताए कौन सा रंग कौन सा रस को लक्ष्य करता है, कौन सा रंग की फूल सख्य रस को, कोई बात्सल रस को, कोई श्रृंगार रस को, अलग अलग रस को ये फूल अलग अलग लक्ष्य करता है, हैं? इसलिए बोले वैजयंती, कहते वैजयंती माला किसको कहते हैं, कहते जो माला गले से लेकर चरण तक हो उसको वैजयंती माला कहते। वैजयंती च माला बोले रंध्राण वेणु रथर सुदया, कृष्ण बजाते किया बोले बंसुरी, बोले बंसुरी क्यों बजाते, बोले बंसुरी में दो तीन गुण है, पहला गुण है वो अंदर से खाली है, इसलिए कृष्ण कहते हैं अगर मेरे पास ना दो गुण लेकर आओ फिर तो तेरे को मैं भी बजाऊंगा, मैं भी तुमको बजाऊंगा, लेकिन पहला गुण किया बोले अंदर खाली करके आओ, जैसे बंसुरी का अंदर खाली है, हैं? बोले हृदय को खाली करके आओ, बोले दूसरा गुण किया है कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी बजती है ठीक वैसे, अपनी मनमन नहीं बजती है, कृष्ण जैसे बजाते हैं, कृष्ण कहते मैं जैसे बजाना चाहता हूँ है ना, तुम वैसे बजो अपनी मनमानी से नहीं, मैं जैसे बजाना चाहूंगा तुम वैसे बजो, अगर ये दो गुण हो गए ना बस कृष्ण हमें भी बजाना शुरू कर देंगे, कृष्ण हमें भी बजाएंगे, इसलिए कहते कृष्ण रंध्राण वेणु रधर सुधया, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं अपना अधर सुधा को उन्होंने बंसी में एकदम भर देते हैं, हैं भर देते हैं, इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं बोले देखो देखो तो सही ये बंसुरी हमारे सारे संपत्ति को यही अपहरण करता है, कृष्ण गोप हम गोपी है, इसलिए कृष्ण के अधरामृत में हमारे अधिकार, लेकिन ये तो अंगूठा दिखा दिखा करके सारे हमारी अधिकार को यही छीन रहा है, कृष्ण का होठ कैसे बोले बिंब फल जैसे बड़े सुंदर है, जैसे बड़े सुंदर कृष्ण का होठ कर रहे हैं, लेकिन ये सारे बंसुरी सारे हैं रस को यही चूसता है, इसलिए कृष्ण का होठ कितना सुंदर लेकिन देखो एकदम पड़ गया नीला बन गया, मतलब यही बंसुरी सारे रस को चूस लिया है, हैं? इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है बंसुरी हमारी सौत है, ये हमारी सौत हमारे सारे अधिकार को यही छीन रही है, इसलिए बोले रंध्राण सुधा अधर सुधया पुरयन गोप वृंदई, क्या कहते हैं बंसी बजा करके संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सारे ब्रज गोपियों को कृष्ण आह्वान करते हैं, हैं? गोप वृंदई बोले वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तद गीत कीर्ति, और अपना चरण को द्वारा वृंदावन धाम को शोभायित करते हैं, कृष्ण जब सखाओं को साथ में श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं सखा लोग कृष्ण का जय जयकार करते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरी हरी बोल, बंद बंद करते हरे कृष्ण।